वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज आप देख सकते हैं हम अपने एप्रन में आ चुके हैं, वाइट कोट में आ चुके हैं, बिकॉज आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज सर्जरी की पोस्टिंग है। सर्जरीज जो है वो आज हम जानेंगे कैसे होती हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लाइब्रेरी से निकले हैं जस्ट। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं अभी 3 बजे हैं और हम लाइब्रेरी से निकले हैं। एंड हमने 2 बजे खाना खाया था और फिर 3 बजे क्लास थी, तो हमने ये नहीं करा कि हम 1 घंटे सो गए, ये नहीं किया। हम आके जस्ट पढ़े हैं ताकि हम हसल किए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बाकी के दोस्त सो रहे हैं और अभी रूम पे होंगे, लेट भी हो जाएंगे। गाइस लोग कंप्लेन करते हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्टडीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट लोग खुद के गिरेबान में नहीं झांक के देखते हैं। हम लोगों को देखिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, मैं और ये इस कॉलेज में दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। देखिए मेरे बाल झड़ गए हैं, बाल वाइट हो गए हैं। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं, यू कांट लूज विदाउट गेनिंग एनीथिंग। इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, बट नेवर स्टॉप। या तो गाइज हम जा रहे हैं, अब पोस्टिंग जा रहे हैं। गाइस मेरा गाना बंद करो, कॉपीराइट आ जाए। मेरा एक्स रूमी आ चुका है। आप क्या कर रहे थे रूम पे अभी 1 घंटे से? मैं सो रहा था गाइस। मैं देखो पहले बोल चुका था कि लोग सो रहे हैं और जबकि हम लाइब्रेरी में थे, तो गाइस यहां से डिफरेंस पता चल जाता है। जिंदगी में सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइज आप कमेंट्स करिए कि सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हसल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी पोस्टिंग आज बोर्ड में, हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं बोर्ड में। हम आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, बिकॉज इन मेडिकल फील्ड आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। गाइज मेरा छोटा भाई नबील आया है मुझे सपोर्ट करने। मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मिलते रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग डिस्कस करते हैं कॉलेज के लिए क्या कर सकें। हाँ और हम दोनों बराबर क्लास करते हैं, बहुत बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं हम लोग, बहुत ही मेरिटियस स्टूडेंट हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, फोटो वीडियो में हो सकता है डाली जाए। हाँ और जैसे मैं अभी लाइब्रेरी से आया हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं रूम से आया हूँ, पर मैं अभी गया था इमरजेंसी वार्ड, एक इमरजेंसी केस आ गया था और लोग सो के आए। हाँ अच्छा, लोग मतलब सो रहे हैं और क्लास सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। सीरियस यू शुड बी सीरियस। गाइज ये मेरे मेंटर शशांक त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने ही मुझे बड़ी उम्र में कैसे लोगों को संभालना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पेशेंट को देखना है, कुछ नहीं सिखाया है, बट ये मेरे मेंटर हैं। आप बताइए क्या आप मेरे मेंटर हैं? मेंटर हुआ करते थे। गाइज ये मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, मैं बीप कर, आई एम हर्ट बाई हिज बिहेवियर बट आई रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट तो लेन देने का काम है, रिस्पेक्ट दीजिएगा तो रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट लीजिएगा तो रिस्पेक्ट दीजिएगा, कोई बट नहीं है। गाइस आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस से? या तुम ऐसा बोल रहे हो, मेरे को काटना ही पड़ता है। गाइस देखिए कितने हार्ड वर्किंग सीनियर्स हैं हमारे। आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, आई एम जस्ट losing everything, words losing everything but winning hearts, yes that's our yes. boss for just you. Like RCB. thank you boss, okay. Thank you boss for your precious time, okay. Boss aap dekhiye boss ekdam preparation kar rahe hain ek bahut hi badi surgery ki, matlab guys bahut hi like 3 baje se 7 baje tak class thi hamari, life changing day tha aur I think humne bahut kuch seekha. Guys hame shooting allowed nahi thi andar एंड हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बट बिकॉज पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में आपको देखना पड़ता है। एंड हाँ इंडिया में आप पेशेंट की जो भी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आप शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम कैमरा नहीं ले जा पाए। यस गाइज तो मैं कहना चाहूँगा आज हमने सीखे हैं माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, जो कि हर एक MBBS लेवल के डॉक्टर को आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो आप लोग रूटीनली परफॉर्म करेंगे अपने क्लिनिक्स में या कहीं भी जाएंगे। और गाइज जो 3 बैचेस डिवाइड हुए थे, उस 3 बैचों के चक्कर में मैं अपने भाई नबील
जो कि रोल नंबर 45 है, मैं उससे भी चढ़ गया था क्योंकि मेरा रोल नंबर 86 है। लेकिन हमारा अब रीयूनियन हो चुका है। एंड आपने क्या सीखा? हमने क्लिनिकल सीखा है, सब्जेक्टिव तो हम सीखे हैं, हमने तैयारी थ्योरी सीखी है, पर आज हमने प्रैक्टिकल सीखा है। बहुत अच्छा। हमने भी आज माइनर, आपने क्या सीखा? हमने आज माइनर सर्जिकल प्रोसीजर सीखे, वीनी पंचर, वीनी सेक्शन एंड सूचरिंग एंड मे बी इवर्जन ऑफ सैक एंड बहुत कुछ सीखा है गाइस। आप लोगों को पता नहीं होगा इतना कुछ सीख लिया। कल ये मेरा टर्न जो है कल आएगा, कल फिर हम लोग मिलेंगे। हाँ, तब तक के लिए साइन अप। ओके भाई, मेरा छोटा भाई नबील। गाइस जैसे ये थोड़ा रूरल एरिया में है या, 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 तो लाइक जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हर they वो पुट देयर 100% एफर्ट। हाँ, अगर उनके पास इक्विपमेंट सारे अवेलेबल भी नहीं है बट वो कुछ ना कुछ करके लाइक हेल्प कर ही देते हैं। लाइक टर्निकेट, आई एम टेलिंग अबाउट टर्निकेट। इफ टर्निकेट इज नॉट अवेलेबल, आवर डॉक्टर यूज फोलेस कैथेटर फॉर दैट। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। गाइस ये मेरा बड़ा भाई विकास यादव। आपने क्या सीखा आज? इंसिजन एंड ड्रेनेज। गाइस हमें 5 चीज़ें सिखाई गई हैं लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैं लास्ट में आया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। गाइस ये लास्ट में आया था, ये मेरे मेंटोर जी बाबा, बाबा बाबा विदाउट अ ढाबा, बाबा विद MBBS। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मेरे फैंस कहाँ हो गए? तुम्हारे फैंस नहीं है? मेरे भी नहीं है बट मैं भी कहता रहता हूँ। गाइस हम सोच रहे हैं कि इट वाज अ हेक्टिक डे, हम 4 घंटे से डायरेक्ट क्लास में बैठे थे एंड हम सोच रहे हैं हम चाय पीने चल रहे हैं। गाइस तो अब हम आ चुके हैं थोड़ा नाश्ता पानी करने। गाइस तो हम आए हैं अपना पेट भरने। तो गाइस वो तो आप कोई महान कहावत है, इफ यू डोंट ईट यू कांट बी अ सर्जन। गाइस जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप सर्जन क्या बनेंगे? मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे खाया जाता है। गाइस देखिए नमकीन, आप ऐसे नमक पारा लीजिए अपने राइट हैंड से। हैंडमेड ऑर्गेनिक नमकीन है, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड। राइट हैंड में लीजिए। देखिए MBBS में हर काम को करने का एक प्रोसीजर है, तो राइट हैंड में लीजिए और हल्का सा मुंह को खोलिए, हल्का सा उखाड़ लीजिए। उसके बाद थोड़ा अपना एंजॉय कीजिए, थोड़ा एक दो बार इधर उधर सोच लीजिए, फिर अपना हाथ फिर उधर ले जाइए और वहाँ भी जो भी आपको हाथ में मिल रहा है फिर उठा के खाइए और फिर पढ़िए, पढ़िए और हार्ड वर्क करिए, क्योंकि सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता। नहीं, आपको खाने के सर्जन बनने के लिए आपको खाने के साथ साथ खा के बैल बन जाएंगे, खा के गेंडे बन जाएंगे। तो सर्जन बनने के लिए आपको खाना भी खाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई करोगे तो भाई, तो खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गेंडे बन जाओगे। तो दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, तब आप सर्जन बन सकते हो। अभी हम जाके तो आपका विसर्जन हो जाएगा। अभी हम जाके पढ़ेंगे। गाइस मेरा दोस्त सिना पेमेंट कर रहा है, थैंक यू सिना। मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Thanks for dropping me bro. Guys, इसने मुझे लाइब्रेरी ड्रॉप कर दिया है एंड अभी अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आई एम गोइंग टू स्टडी। गाइस वे कुछ बोल नहीं सकते, अब हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं और यहाँ बोलना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ना दोस्तों, गाइस हमारा दोस्त छूट गया था वीडियो में, अब हम उसको लेके आए। गाइस मैं स्पेशली हॉस्टल में इसलिए आया हूं ताकि मैं वीडियो यहां पे एंड करूं। यस एंड गाइस हमें आपसे एक बात कहनी है कि वी आर लीविंग YouTube। वी आर लीविंग YouTube क्योंकि गाइस देखिए 4-5 रीजंस हैं उसके। पहला रीजन तो है कि हमें मन चाहा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गाइज आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं, आप लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन आप लोग डोनेट नहीं करते हैं। कीजिए, आप ऐसे कैसे सपोर्ट दे रहे हैं? ये और... देखिए हमारा भाई कुछ खा पी के बिना खाए पिए कैसा हो गया है। गाइज देखिए भाई दिखेगा ही नहीं आपको, आप गाइज डोनेट ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है कि गाइज एग्जाम है इसलिए नहीं कर रहे। तीसरा रीजन ये है
तीसरा रीज़न हम बता नहीं सकते, पर्सनल रीज़न है। चौथा रीज़न मैं भूल गया, और पांचवा रीज़न, पांचवा एक है, लड़की है एक लड़की, मैं उसके बस इतना ही बताना चाहता हूँ। गाइस लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए पहली बात तो, और गाइस हो गए पांच रीज़न, पांच रीज़न, बाय।